देश भर में तुअर का उत्पादन पिछले साल की तुलना में कुछ कमजोर है। दरअसल कर्नाटक तुअर में फसल काफी कमजोर है। गुलबर्गा और बीजापुर जहां से स्थानीय खपत के लिए सप्लाई के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को तुअर दिया जाता है, वहां भी फसल 40-50% से अधिक नहीं है। वहीं विदेशों में सूडान में भी तुअर का स्टॉक घटने के कारण वहां से बिकवाल सीमित है। इधर मालवी तुअर का भी स्टॉक काफी सिमट गया है। तंजानिया की अरुषा क्वालिटी तुअर अब नहीं के बराबर है। अब सारी नजरें बर्मा के नए लेमन तुअर की फसल पर टिकी हुई हैं। जानकारी के अनुसार बर्मा में भी बोनी कुछ कमजोर थी। बर्मा में नई लेमन तुअर आना शुरू हो गई है और 790 से $800 प्रति टन CNF उपलब्ध है। व्यापारियों का कहना है कि कर्नाटक में नई तुअर की आवक शुरू हो गई है, जिससे शुरुआत में दाम कुछ टूट सकते हैं, लेकिन भविष्य में मंदी के आसार न के बराबर है। दरअसल मूंग में मिलर्स की डिमांड निकल कमजोर होने और हल्की क्वालिटी की मूंग खूब आने के कारण भाव में मंदी देखने को मिल रही है। दरअसल नाफेड की बिक्री की संभावनाओं की वजह से भी मूंग के दाम कुछ कम हुए हैं। मूंग 7,000 से लेकर 7,200 और एवरेज 6,000 से 6,600 और बारिश की मूंग 6,800 से 7,300 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।